नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों आज डेट है 15th of July, फ्राइडे का सेशन है और आज वीकेंड का सेशन होता है जैसा कि आप जानते हैं। और यहां पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आपने सही पोजीशन सही लेवल में बनाई है तो आप कुछ प्रॉफिट अर्न करके चल सकते हैं। 2:16 का टाइम हो रहा है दोपहर का। तो चलिए दोस्तों, यहां पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि मार्केट अभी कैसे मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 16,000 की शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करी थी। शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब आपको बता देता हूँ मैं, पोजीशन में देखिएगा आप। तो यहाँ पे आप देखिएगा 16,000 की पी को भी मैंने शॉर्ट किया हुआ है और 16,000 की सी को भी शॉर्ट किया हुआ है। और यहाँ से एक पोजीशन मैंने 15,900 पे भी बनाई हुई है, जिसमें मेरे 2 लॉट हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें मुझे अच्छा खासा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ पोजीशन मेरी अगेंस्ट जा रही थी तो मैंने क्लोज भी कर दी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे 15,900 की सी को मैंने यहाँ पे हटा दिया है और जिसमें मुझे 1,500 का लॉस हुआ है। और एक पोजिशन मैंने 15,400 की पी को शॉर्ट किया था, इसे भी मैंने एग्जिट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, आज बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके नहीं होनी है तो भी हम वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट में कुछ एक अप मूवमेंट आती है तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी करीब करीब 34 to 500 के आसपास का बेनिफिट मुझे दिख रहा है। और दोस्तों देखिए, ये ऑप्शन सेलिंग है, इसमें आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने बाइंग करी है, ऊपर चले गया, 5 पॉइंट नीचे आ गया, 10 पॉइंट नीचे आ गया, आपने ऑप्शन को सेल करके रखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आपके पास मार्जिन मनी होने चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपये मेरे यहाँ पे अकाउंट में रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी मैं करता हूँ लेकिन मुझे इतनी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी तक। तो आप देख सकते हैं अभी पोजिशंस मेरी सब बढ़िया ही चल रही है। और इसमें एक बार हम चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे। तो दोस्तों ये एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और देखिए यहाँ पे मैं निफ्टी में पोजीशन बनाया हुआ हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझने में आएगा आपको। तो यहाँ से आप अगर देखना चाहेंगे तो मार्केट एक अप रैली देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से देखिए 16,000 के आसपास है और 16,000 का सीपी हमने शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक हमारा बेनिफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे, 4,300 समथिंग का बेनिफिट है। तो चलिए यहाँ से पहले मैं सबसे पहला काम अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहूँगा। 3,800 के आसपास का बेनिफिट है और जैसे भी यहाँ से एक अच्छा अप मूवमेंट दिखता है तो हम इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट को बुकिंग करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट मंडे के सेशन के लिए जो भी अच्छी प्रीमियम मिलेगी मुझे वहाँ पे मैं फिर से पोजीशन क्रिएट करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में करती रहनी पड़ेगी, आपको मार्केट में खाली बैठना नहीं है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि कहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू आप कहाँ पे अच्छी एक मोमेंट यहाँ पे आपको मिल सकती है, कहाँ पे ओआई ज़्यादा है, कहाँ पे प्रीमियम अच्छा मिल रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करके चलनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम जो है प्रॉफिट अपना बुक करना चाहेंगे, एटलीस्ट 4,000 के आसपास का बेनिफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है। तो ये लीजिए 4,000 के नियर अबाउट का बेनिफिट है और ये अच्छा खासा बेनिफिट है गाइस। तो यहाँ से जो है हम थोड़ा सा एग्जिट लेने की कोशिश में रहेंगे। तो चलिए सभी पोजीशंस को मैं एग्जिट कर रहा हूँ अपनी। और यहाँ पे यही चीज़ मायने रखती है कि आप सही टाइम में सही एग्जिट लेना आपको आना चाहिए। तो इसमें लेके दीजिए 4,014.50 का बेनिफिट मुझे हो गया, ये मेरी क्लोज्ड पोजीशंस बन चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि करीब करीब 4,000 रुपये हमने अर्न किए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा इसमें मोटिव 2,000 to 2,500 to 300
3,000, 3,500, 4,000 जितना भी आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है वो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट डे के पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और जैसे ही मार्केट खुलेगा इमिडिएटली अगर हमें 2,000 के आसपास का बेनिफिट दिखता है तो हम वहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग भी करते हुए मार्केट में चलते रहते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर से हम पोजीशन बनाएंगे और ये रही आज की मेरी ट्रेड समरी और आप देख सकते हैं कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है मेरा और यहाँ पे पोजीशंस मेरे सभी स्क्वायर ऑफ हो सके, सभी क्लोज्ड पोजीशन मेरी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से आप काम करिए, सीखिए, समझिए मार्केट को, ज़्यादा स्ट्रेस लेके अपन को ट्रेडिंग नहीं करनी है। जहाँ भी अच्छे एक पर्टिकुलर लेवल में मिलता है मार्केट तो आप वहाँ से मार्केट में बाई सेल करके चल सकते हैं। और बाइंग देखिए, बाइंग के लिए यही है कि आप जो है थोड़ा सा सही लेवल में एंट्री ले तो आपके लिए बाइंग अच्छी रहेगी, अदरवाइज़ वहाँ पे थीटा डीके होगा, टाइम वैल्यू कम होगी तो आपको वहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए ये रही मेरी ट्रेड समरी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाते हो जाएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।